नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आस पास के पाठ 2 कान कान में के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कान कान में एक ऐसा पाठ है जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं के आवास व बाहर व अंदर के कान के बारे में जानकारी दी गई है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और छात्रों के कठिन परिश्रम से एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से विभिन्न जीव जंतुओं और आवास की जानकारी, कुछ जानवरों के बाहर व अंदर कानों की जानकारी पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही शिक्षकों को इस नवाचार में किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। सभी प्रकार के प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को एक संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं। हर प्रकार के प्रश्न समूह की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। छात्र चाहें तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र किस प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में खाल के ऊपर पंख वाले दो पक्षियों के नाम बताइए, तो कबूतर और चिड़िया। क्या भैंस की खाल पर बाल होते हैं? नहीं, खासकर भैंसों की खाल पर कोई बाल नहीं होते हैं। किसी एक पालतू जानवर का नाम बताइए, तो बिल्ली। हमें अंडा किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से। दूध कौन देता है? गाय और भैंस। इस प्रकार के और विभिन्न प्रश्नों की सहायता से शिक्षक छात्रों से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पशु पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं, व्यवहारों, परिवर्तनों, चोंच आदि के को पहचानना और उन्हें विकसित करना तथा वस्तुओं को स्थानों को पहचानते हैं तथा विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस को पहचानने की समझ विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो संवाद करते हैं, तर्क देते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में प्रयाप्ति अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है। NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ कान कान में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ जीवन कौशल मूल का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।